नमस्कार दोस्तों, आर एस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में स्लीव डिजाइन बनाना बताएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने अस्तर और कपड़े पर कट कर लिया है। लंबाई इसकी 7 इंच ली है। अब देखिए, पहले सिंपल स्लीव कट कर लेनी है, तो 3 इंच लेंगे। तो इस तरह देखिए, इसे कट कर लिया है। अब इस पर डिजाइन बनानी है। ढाई इंच पर ये निशान बनाया है। उसके बाद देखिए, 1 इंच पर लेना है और इस तरह इसको सीधा कर देना है। अब देखिए, इसको कपड़े की सीधी साइड में रखेंगे और देखिए, जहाँ से कट का निशान बनाया है वहीं से इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह देखिए, सिलाई लगा दी है। अब देखिए, नीचे की साइड में इस तरह मोड़कर सिलाई लगा देंगे। अब देखिए, डिजाइन के लिए इस तरह से कपड़ा कट कर लेना है। ढाई इंच लिया है, 2.5 इंच का चौकोर ले लेना है। अब देखिए, दोनों को इस तरह से पकड़कर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से बटन लगा देनी है। तो बटन हमने जो ये ब्लाउज है उसी के बॉर्डर से बना ली है, बॉर्डर के कपड़े से। तो इस तरह अच्छे से सिलाई पर लगा देंगे। अब धागे को पक्का करके कट कर देंगे। तो इसी तरह से देखिए, हमने 3 डिजाइनें तैयार कर ली हैं। अब देखिए, इसको इस तरह से लगाना है, इस तरह बराबर से मिलाते हुए इसे लगा देंगे।
तो इसी तरह देखिए दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो अब देखिए इसका बॉर्डर लेंगे ब्लाउज का। यहाँ पर देखिए फ्रिल बनाने के लिए ये पट्टी लेंगे, कपड़ा कट कर लिया है, अब इसको जोड़ लेंगे। डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। अब देखिए इस तरह से फ्रिल बना लेंगे। तो इस तरह देखिए फ्रिल बना ली है। अब देखिए इस तरह से इसको बॉर्डर पर सेट कर देना है। अब देखिए इस तरह इसको लगा देंगे। तो इस तरह देखिए बॉर्डर को लगा दिया है। अब ये डिज़ाइन बनके तैयार है। ये इसके ब्लाउज का डिज़ाइन है। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।